हाय। बार बार हम लोग जब जब पॉजिटिव एटीट्यूड के सेशंस होते हैं हमारे, वी टॉक अ लॉट हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम, वर्क ऑन योर वैल्यू सिस्टम, वेरीफाई योर वैल्यू सिस्टम, डेवलप योर एबिलिटीज, इन तीनों का सम टोटल आपका एटीट्यूड है। लेकिन लेकिन असर ज्यादा नहीं होता। रिसेंटली मुझे पता चला कि लर्निंग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कमी है साथ में। हम बार बार कहते हैं नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे, नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे। चेंज योर साइकी, थिंग्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। चेंज योर साइकी, कमी है भाई साहब स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में कमी है, नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे। नो अभी रिसेंटली मैंने एक बुक कंक्लूड की पढ़ने, एटॉमिक हैबिट्स, अमेजिंग अमेजिंग। अगर अभी तक आपने किताब नहीं पढ़ी, यू आर मिसिंग समथिंग इन योर लाइफ। प्लीज बाय दिस बुक, रीड इट, या कवर टू कवर पढ़ना। क्या कहता है यहां पर ऑथर एक जगह, नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे, कहना ठीक है, लेकिन जब तक नजारे नहीं बदलोगे नजरिया भी नहीं बदलता। टिल द टाइम यू चेंज द सिचुएशन फिजिकली, द सब्जेक्ट, द पर्सन इन क्वेश्चन विल नॉट बिलीव यू। उसे लगेगा सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल बातें हो रही हैं, बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज, एबिलिटीज। बोले ठीक है यार, पहले मुझे दिखाओ कैसे होगा, करके दिखाओ, प्रैक्टिकली मुझे उस दुनिया में ले चलो। सो दोनों चीजें, बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड। नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे, और साथ में नजारे बदलो नजरिया बदलेगा। जब तक ये दोनों का इंटरमिक्स नहीं रहेगा, माय फ्रेंड्स, लोग बदलने नहीं वाले। मुझे खुद पता है, आई स्टार्टेड माय लाइफ एज ए कैटल ग्रेजिंग बॉय बैक होम इन माय विलेज फेयर। ओवर द पीरियड टाइम वंस आई फिनिश माय एजुकेशन आई केम टू बिग सिटी। नजारे बदले, वहां से नजरिया बदलना शुरू हुआ। देन आई ज्वाइंड ए वेरी बिग मल्टीनेशनल, फिर से नजारे बदले, लेकिन फिर भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया था थिंकिंग में। वंस आई लैंडेड अप इन जापान, ओह माय गॉड, आई वाज देयर फॉर 15 डेज। मेरा पहला ट्रिप 15 दिन का था, उसके बाद तो बड़ी जल्दी 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 मेरे बहुत सारे चक्कर लगे। जब मैं पहली बार गया, ऑन माय फर्स्ट ट्रिप, आई वाज देयर फॉर 15 डेज, एक्साइटमेंट के मारे मैं 15 दिन सोया नहीं। इंडिया यहां, जापान यहां, ह्यूज डिफरेंस। और इमीडिएटली लगा, अरे हमें तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। नजारे फिर से बदले, नजरिया वहां से बदला। अब हो क्या रहा है, MDs, डायरेक्टर्स, चेयरमैन, चीफ जनरल मैनेजर, ये यूरोप गए, जापान गए, अरे बड़ी बड़ी चीजें सीख कर आए, और वापिस आके अपने वर्किंग क्लास में लेक्चर मारते हैं, वहाँ ऐसे होता है, वहाँ ऐसे होता है। बोले सर होता होगा, आपने देखा, हमने थोड़ी देखा। एक बार उनके नज़ारे बदला, कुछ अच्छी फैक्ट्रियों में ले जा, नहीं ले जा सकते जापान में, मानता हूँ खर्चीला है, एयर टिकट है, होटल है, वीज़ा चार्जेस हैं वगैरह वगैरह। लोकल ट्रैवल जापान में बहुत महंगा है, कोई सस्ता नहीं है, या यूरोप तो और महंगा है। लेकिन विद इन इंडिया क्या हम नज़ारे बदल सकते हैं? ओके क्विकली आई टेक यू दिस। अब देखिए मैंने क्या बोला, बिलीव। जैसे मैंने पहले भी वीडियो डाला था, करीब 6 महीना पहले यूट्यूब पे एक वीडियो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड पे, हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। 3 चीज़ें बताई थी मैंने, बिलीव, वेरीफाई करो जिन चीज़ों को, जिनको आप सही मानते हैं वो वास्तव में सही हैं क्या। वेरीफाई योर वैल्यू सिस्टम, आपके सिद्धांत सही हैं क्या, सोसाइटी के साथ अलाइंड है क्या, आपकी ग्रोथ के साथ अलाइंड है क्या। साथ में एबिलिटीज, क्या आप तीनों को बिलीफ को वेरीफाई करना है, सिद्धांत को चेक करना है इसको भी, और साथ में एबिलिटीज को कंटिन्यूअसली डेवलप करना है। एबिलिटीज बोले तो सेलेबल स्किल्स, कॉन्फिडेंस आता है, पैसा आता है, कॉन्फिडेंस आता है, या इन 3 चीजों का सम टोटल है आपका एटीट्यूड। क्या सोच, नजरिया, जिसके हम कह रहे हैं नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे। फाइन, सिंपल लगता है, आसान नहीं है। लोग अपने बिलीफ छोड़ने को तैयार नहीं होते।
ओके, लोग इन जनरल सिर्फ और सिर्फ मेरा बिहेवियर देखेंगे, उसी से बैकवर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इसका एटीट्यूड कैसा है। फाइन, करने दो। ओके, अब देखिए देखिए, हम जो भी देखते हैं क्विकली, वैसे तो मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं, क्विक रिकैप मारूंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा। बिलीफ, प्लीज वेरीफाई, उन चीजों को एक बार वेरीफाई कीजिए कि जिनको हम सही माने बैठे हैं क्या वो सचमुच में सही हैं। क्या देते हैं मुस्लिम, चार शादियां करते हैं, कितने मिले आपको? एक भी नहीं मिला मेरे को तो आज तक, इतने सारे मुस्लिम फ्रेंड है मेरे को। ये फालतू का बिलीफ सिस्टम है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम सही माने बैठे हैं, पर एक्चुअल में सही नहीं है, एक्चुअल में सही नहीं है। मैं जब छोटा था, ये लोग, हम लोग पूरब की तरह मुंह करके पूजा करते हैं, ये पश्चिम की तरफ करते हैं, सरासर गलत। ये सिर्फ और सिर्फ मक्का की तरफ पूजा करते हैं। इंडियन मुस्लिम के लिए मक्का वेस्ट में है या, और कोई अगर यूरोप अमेरिका में बैठा है उसके लिए मक्का ईस्ट में। फाइन, जाकर देखो एक बार। इसलिए कहता हूँ सिर्फ नज़रिया बदलने से कुछ नहीं होगा, नज़ारे भी साथ में बदलने होंगे। या आई बीन टू सच प्लेसेस, आई हैव गॉट अ फ्यू मुस्लिम फ्रेंड्स इन दोज कंट्रीज आल्सो। फाइन, या नज़ारे बदलो एक बार। तो लुक एट दिस स्लाइड, चेक करें क्या मेरा बिलीफ सिस्टम सही है, वेरीफाई कीजिए। ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि प्रीवियसली मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं। हाँ, ओके, डिस्टिंग्विश ट्रुथ फ्रॉम द बिलीफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ। आसान तो नहीं होता, किसी के बिलीफ सिस्टम को बदलना आसान नहीं होता। इसके लिए जब तक नजारे नहीं बदलेंगे ना, नजरिया नहीं बदलने वाला, दिखाना होगा। देखो भाई साहब, जिन चीजों को आज तक आप सही माने बैठे हो वो वास्तव में सही नहीं है। या छोटा सा था, गांव के पंडित जी ने बोल दिया भगवान शिव पूरी पृथ्वी के पालन करता है। या हम तो अगले गांव तक नहीं गए थे कभी, बस का किराया नहीं था, उन्होंने कहा मैंने मान लिया। लेकिन यूरोप अमेरिका में जाकर देखा तो कोई शिव पूजा नहीं है वहां पे। हाँ, ओके, अगर पालन करता होता तो वहां भी पूजा हो रही होती ना। खैर छोड़ो, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। आप मानते हैं तो मानते रहिए, नहीं मानते तो मत मानिए, आपकी चॉइस है। फिर और आगे चलो, आसान तो नहीं है अगर, क्योंकि जब नजरिया बदलने की बात होती है, अहम चीज होती है उसके अंदर बिलीफ। नजरिया बदलना चाहते हैं या आपको नजारे बदलने होंगे, कुछ खर्चा करना होगा। ओके, अब आइए वैल्यूज पे। सिद्धांत मोरलेस ठीक होते हैं, अधिकतर ठीक होते हैं, 99% केसेस में सिद्धांत तो ठीक होते हैं, इक्का दुक्का केसेस में गड़बड़ होती है, कोई बात नहीं, सिद्धांत पे काम करना आसान है। बिलीफ बड़ा घातक है, क्योंकि जो चीज लोग गलती से एक बार पकड़े बैठे हैं ना, छोड़ना नहीं चाहते इतनी जल्दी। फिर भी I'll have to check अबाउट माई पीपल, इज देयर वैल्यू सिस्टम अलाइन विद द सोसाइटी, विद द कंपनी गोल्स एटसेट्रा। फिर आसान है कंपेरेटिवली, ज्यादा मुश्किल वैल्यूज नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज एबिलिटीज, सेलेबल स्किल्स। पढ़ाता हूं लोगों को, इंग्लिश सीखो, हर लेवल की बुक समझ में आने लगेंगी। सर उससे क्या होगा, अंग्रेज मर गए, औलाद छोड़ गए। आसान नहीं है, लोग इतनी जल्दी नहीं मानते, या फिर से एक बार नजारे बदलने होंगे तभी जाकर नजरिया बदल सकता है। फिर ना क्या करूं, अब बताइए। ये अगली स्लाइड मेरी बात करती है नजारे बदलने पे, क्या है देखिए, उसी बुक एटॉमिक हैबिट में से ये मैंने लिया है, ये स्लाइड वहां से है। वेल, वियतनाम वार वॉज अबाउट टू एंड, या अमेरिकन थे वहां पे, अमेरिका वॉन्टेड टू डिक्लेयर ए क्लोजर। ओके, डियर सोल्जर्स प्लीज कम बैक टू योर होमलैंड, वापस चलो, बहुत हो गया, काफी लंबा खींच गया, कम बैक। और पाया गया बड़ी विचित्र चीज, अधिकतर अमेरिकन फौजी वहां पर नशेड़ी हो चुके थे, कंटिन्यूस वार, किलिंग, हंगर, लैंड माइन एटसेट्रा एटसेट्रा, एयर ड्रॉपिंग, बम्बिंग एटसेट्रा, वो देख देख के स्ट्रेस के कारण अधिकतर नशेड़ी हो चुके थे, ड्रग्स लेते थे,
लेकिन जैसे ही होमलैंड पे गए 85% बिना ट्रीटमेंट के अपने आप ठीक हो गए, 85%, एंड दैट वाज अ ह्यूज परसेंट। तो इससे सिद्ध हो गया, नजारे बदलने से नजरिया बदलता है। आज की बात नहीं, वियतनाम वार से पहले भी पता था, 1936 की बात है। देखिए क्या लिखा है, 1936 की बात है। साइकोलॉजिस्ट कुर्ट ल्यूइन क्या बोला, बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ पर्सन इन दैट एनवायरमेंट, बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एंड ए। बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ पर्सन इन दैट एनवायरमेंट, उस माहौल में वो बंदा कैसे एक्ट और रिएक्ट करता है। माहौल, फिर से नजारे बदलो नजरिया बदलेगा। ये देखिए मंदिर में चर्च में लोग धीरे धीरे बात करते हैं, लाइब्रेरी में है चक चक, डोंट टॉक डोंट टॉक, ऐसे बात करते हैं, डोंट टॉक डोंट टॉक। यहाँ दिल्ली के साफ सुथरे मेट्रो रेलवे स्टेशन कोई नहीं थूकता, बाकी जगह गंदे स्टेशन लोग थू थू थूकते हैं। वहाँ क्यों नहीं थूकते, क्यों, माहौल एकदम साफ सुथरा है। ये हिंदुस्तानी लोग सिंगापुर में जाके क्यों नहीं थूकते, क्या बदल जाता है वहां पे, पता है ना, वहां खड़ा है सिंगापुर का पुलिस वाला खड़ा है, अगर उसने थूकते देख लिया, कागज फेंकते देख लिया, ऑन द स्पॉट $200 का फाइन करेगा, और फाइन के पैसे नहीं है तो अंदर भी कर देगा। वो सिंगापुर है, अपने आप सुधर जाते हैं, अपने आप सुधर जाते हैं। वहां क्यों सुधर जाते हैं, इंडिया में क्यों नखरे याद आते हैं, सिंपल सिंपल नजारों का फर्क है। या वहां के नजारे स्ट्रिक्ट हैं, यू एक्ट एंड बिहेव लाइक अ सेंसिबल ह्यूमन बींग इन दिस कंट्रीज। ओके, मैसेज क्या है सीनियर्स को, एमडीज को, चेयरमैन को, मैसेज क्या है, सिर्फ और सिर्फ नजरिया बदलने से बात नहीं बनने वाली। फिर से कह रहा हूं, नजरिया बदलो नजारे बदलेंगे, साथ साथ नजारे बदलो नजरिया बदलेगा, एंड आई गारंटी यू, नॉट मी अश्योर यू, आई गारंटी यू, यू विल हैव सक्सेस। Yeah, thank you very much.